जो आज मैं आपको इंटरमीडिएट की ऑन साइंस का सेकंड चैप्टर संतुलित आहार पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि कोविड 19 की वजह से हमारा जो 70% कोर्स आया है उसमें फर्स्ट चैप्टर नहीं है। तो संतुलित आहार को समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि आहार क्या है। आहार प्रत्येक प्राणी जन्म के लिए पेट भरने का साधन है जो हम खाते हैं, ठीक है। अब उसमें आहार और संतुलित आहार में काफ़ी अंतर होता है। संतुलित आहार वह आहार है जिसे ग्रहण करने पर शरीर की भोजन संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। अर्थात आहार में सभी पोषक तत्वों का होना बेहद जरूरी है, तभी वह संतुलित आहार कहलाता है। अब आप कहेंगे कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों संतुलित आहार में 6 तरीके के पोषक तत्व होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 खनिज, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारा ऊर्जा का साधन होता है, जो शक्ति हमें कार्य करने की मिलती है, तो वह हमें इन तत्वों के द्वारा मिलती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में सहायक होता है और खनिज लवण हमारी शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। और जल जो कि जीवन का सार है, इन सबको सही से संचालन करने के लिए जल बेहद जरूरी है। जल रक्त प्रसंचरण तंत्र के लिए भी और पूरे कार्य को पाचन क्रिया से संबंधित सभी बॉडी में कार्य जो होते हैं वो जल के माध्यम से पूर्ण होते हैं। बच्चों तो अब आपने ये संतुलित आहार के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ लिया होगा, आपको तत्वों के बारे में समझ लिया है। अब आपको अपनी नोटबुक में इन हेडिंग्स को अच्छी से डिटेल बनाकर स्वयं नोट करना है। आप अब इसके बाद मैं आहार के प्रकार बताऊँ, आहार कितने प्रकार का होता है। तो आहार 3 प्रकार का होता है, नंबर 1 अपर्याप्त आहार, नंबर 2 पर्याप्त आहार, नंबर 3 संतुलित आहार, अपर्याप्त। अब देखिए अपर्याप्त आहार कौन सा होता है, ऐसा कौन सा आहार है जो अपर्याप्त होता है। जो आहार केवल हमें 2 समय प्राप्त होता है उससे ना तो हमारी बॉडी डेवलपमेंट होती है, ना हमें शक्ति मिलती है इतना जो कि हम पूर्ण रूप से अपना कार्य अच्छी तरह से चला सकें। वो अपर्याप्त आहार की श्रेणी में आता है। कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो भोजन सही से नहीं मिल पाता है, वो केवल एक जीवन को चलाने के लिए 2 समय का भोजन ही अपर्याप्त भोजन कहलाता है। अब दूसरा है कि पर्याप्त आहार, मतलब कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, पर्याप्त आहार है। मतलब उनका पेट तो भरना है सुबह शाम, मतलब जब भी है पेट तो भरना है, शरीर तो चलना है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जिसमें कि सारी वृद्धि अच्छी तरीके से हो, मानसिक शारीरिक और ये सारी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो, वो चीज़ नहीं होती है। पर्याप्त आहार से भोजन केवल पर्याप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें संतुलित आहार की कमी होती है, भोजन तो होता है, जैसे गरिष्ठ भोजन हमने खा लिया, पेट भर गया और चटपटा खा लिया, टिक्की पड़ाके आदि खा लिए, उससे भी पेट भर गया, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो शरीर में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वृद्धि है, इस पे बड़ा साइड इफेक्ट पड़ता है। तो पेट भरकर भोजन पर्याप्त आहार तो क्या लाएगा, लेकिन ये है संतुलित आहार नहीं है। ऐसा कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, लास्ट में आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार वह है जो कि व्यक्ति की शारीरिक मानसिक वृद्धि करने में बहुत सहायक होता है, क्योंकि इस आहार में सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं और हमें समय समय पर मिलते रहते हैं। तो संतुलित आहार वही आहार है जिसमें पोषक तत्वों की समावेश होता है। अब है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। ये देखिए, फिर भी मैंने
केवल हेडिंग हेडिंग है, और आप अच्छी तरीके से समझिए इन हेडिंग को, क्योंकि आपको इसकी डिटेल स्वयं करनी है। प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? नंबर एक, व्यक्ति की आयु। संतुलित आहार को व्यक्ति की आयु के ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए एक किशोरावस्था में, एक शैशव अवस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, रुग्णावस्था में, तो इन सबके आहार को अलग अलग चयनित किया जाता है। सबको एक सा आहार नहीं दिया जाता है। किशोरावस्था जब होती है तो उन्हें उनकी शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि बहुत तेज गति से होती है। उस समय उनका भोजन जो कि पोषक तत्व को अधिक होना है, प्रोटीन को अधिक होना है, क्योंकि शारीरिक विकास भी है और कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ये चीज अधिक मात्रा में हमें समावेश करनी चाहिए। इसके बाद में आती है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में क्या होता है कि व्यक्ति का शारीरिक विकास जो होता है वो थम जाता है, शारीरिक विकास नहीं होता है। जितनी लंबाई, जितनी मतलब आवश्यकता होती है, पूर्ण पहले से हो चुकी होती है, तो इसमें क्या होता है कि उन्हें किशोरावस्था की अपेक्षा वृद्धा भ्रूणावस्था में उन्हें पोषक तत्वों की थोड़ी कमी कर दी जाती है। ऐसे ही होती है गर्भावस्था। गर्भावस्था में भी भोजन को अलग से निर्धारित किया जाता है। तो ये है आपकी व्यक्तियों की आयु और अवस्था को ध्यान में रखकर संतुलित भोजन तैयार किया जाता है। दूसरा है व्यक्ति की शारीरिक आकार। व्यक्ति एज तो बराबर ही होती है, लेकिन कभी कभी आपने देखा है कि ट्वेल्थ में ही देख लीजिए, फर्स्ट ईयर में देख लीजिए, कई गर्ल्स या बॉयस हाइट ज़्यादा होती है, किसी की फैट ज़्यादा होती है, या मतलब आपके समाज में भी कई लोग ऐसे होंगे जिनकी हाइट ज़्यादा है, सम आयु के हैं, तो क्या होता है कि जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, वजन ज़्यादा होता है, तो उन्हें भोजन की आवश्यकता भी तो ज़्यादा पड़ेगी, और जिनकी हाइट कम है और वजन कम है तो उन्हें भोजन की कम आवश्यकता होती है, तो उनके आधार पर ही भोजन को निर्धारित करना पड़ता है। अब लिंग के अनुसार, लिंग मतलब जैसे लड़के और लड़कियां अलग अलग लिंग के हो गए, औरत और एक व्यक्ति आदमी अलग लिंग के हो गए, तो इनका जो कार्य करने की क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती है। एक महिला जो घर में रहकर काम करती है, ज़्यादा दौड़ने भागने का नहीं होता है, तो उसे भोजन में, उसके भोजन में और एक परिश्रम करने वाले उसी के पति के भोजन में काफ़ी अंतर होता है। तो लिंग मतलब इसके व्यक्ति के लिंग के अनुसार भी भोजन निर्धारित किया जाता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। फिलहाल वैसे लड़कियों की किशोरावस्था में सम आवश्यकता होती है, क्योंकि किशोरावस्था में लड़के लड़कियों की वृद्धि एक समान होती है, लेकिन कहीं आगे चलकर इन दोनों में अंतर हो जाता है। अब है व्यवसाय के अनुसार इसको प्रभावित करता है, आहार प्रभावित करता है कि व्यवसाय मतलब यदि कोई परिश्रमी व्यक्ति है, जैसे खेतों में काम करना है, कृषि का कार्य करना है, या कोई ऑफिसियल वर्क करने वाला व्यक्ति है, तो एक जैसे मेहनत करने वाले व्यक्ति को दो मंजिल तीन मंजिल चलना पड़ता है, खेतों में चलना पड़ता है, चलने फिरने और वजन उठाने से जो होती है शारीरिक क्षति ज़्यादा होती है, तो उसमें भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसमें कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और मानसिक कार्य करने, जैसे ऑफिसियल वर्क है, टीचर है, उनको मानसिक कार्य करने के लिए ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं, उन्हें संतुलित आहार की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आपके व्यवसाय हो गया। अब है जलवायु के अनुसार। जलवायु मतलब जहाँ मौसम के अनुसार भोजन की आवश्यकता होती है। ठंडे इलाकों में गर्म चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है ना, और जहाँ गर्म मौसम रहता है वहाँ ठंडे भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ सब ध्यान में रखते हैं, ये सब प्रभावित करते हैं कि आप यदि गर्म मौसम में गर्म भोजन ग्रहण करेंगे तो साइड इफेक्ट होगा, उसे बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि जलवायु के अनुसार ही भोजन को निर्धारित करना पड़ता है। अब विशेष परिस्थितियाँ आपके 6 नंबर पर आ जाती है। विशेष परिस्थितियाँ,
विशेष परिस्थितियां क्या होती हैं कि कभी कभी व्यक्ति के समूह में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि बेड रेस्ट करना पड़ता है, कभी बहुत लंबी बीमारी भी हो जाती है, और बहुत से समय में ऐसा होता है कि भोजन को बिल्कुल परिवर्तित करना पड़ता है, सुपाच्य भोजन ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये है परिस्थितियाँ, परिस्थितियाँ के हिसाब से ही हम भोजन को निर्धारित करते हैं। रुग्णावस्था में यदि हमने भोजन सुपाच्य नहीं दिया तो उसका रोग कहीं और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो भोजन बनाने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए, देने वाले को, कि किस अवस्था में हम किस तरीके का भोजन दें। ठीक है, स्वास्थ्य की अगर दृष्टि से देखा जाए तो संतुलित आहार अगर हम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले इन तत्वों की वजह से हमारी बॉडी में सारी चीज समय समय पर विद्यमान रहेगी और हमें रोग का शिकार नहीं होना पड़ेगा। स्वास्थ्य मनुष्य की एक सफलता की कुंजी होती है और सफलता तभी मिलेगी जबकि हम अपने जीवन में संतुलित आहार को रखेंगे। अब बोर्ड में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि मतलब पोषक तत्व संतुलित आहार क्या है या पोषक तत्व बताइए, तो आप केवल सिक्स पोषक तत्व लिखकर सारी डिटेल दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि आहार के प्रकार बताइए या आहार को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो मैं चाहूँगी कि मेरी जो भी छात्राएं हैं बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को तैयार कर लें और अपनी बुक यदि नहीं मंगाई है तो अति शीघ्र मंगा लें राजीव प्रकाशन की, और अपना वर्क कंप्लीट कर लें।